अच्छा जी, तो मैं पहुंच गया अपने रकबे पर। यहाँ मोटर तो चल रहा है। यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि आप तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SHR व्लॉग। सुबह का टाइम है 10 बजे का, मैं अभी उठा हूँ और आज हम जाएंगे अपने रकबे पे। वो तो नॉर्मली जैसे हम जाते हैं, लेकिन पहले ये होता है ना, मैं कॉल कर देता हूँ कि जी मैं आ रहा हूँ तो ये काम करना है, लेकिन आज मैं उन्हें बगैर कॉल किए, वहाँ जो मुजेरा है उसको बगैर कॉल किए जाऊँगा और देखते हैं कि वो हमारी गैर मौजूदगी में क्या करता है। तो अभी मैं बस फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश होने के बाद चलते हैं। तो जी मैं फ्रेश हो गया हूँ, कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए और बाइक मैंने निकाल ली है। ये रही अपनी बाइक, बाइक स्टार्ट करते हैं, सीधा जाते हैं अपने रकबे पर। ये स्टार्ट हो जाए जी, सीधा मिलते हैं आपसे रखते हैं। पर यहाँ मोटर तो चल रही है, मोटर चल रही है तो मतलब यह है कि मुजेरा भी यहीं है। कहीं इसने पानी लगाया है, कपड़े वगैरह उसके ये पड़े हैं, अभी उसको कॉल करते हैं, पानी लगा के पूछते हैं उससे कहाँ है। तो जी कॉल उसको मिलाई है, देखते हैं पूछते हैं उससे कहाँ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है पुन्ना जी, कित्थे हैं? अच्छा वो मैं रकबे ते आया बता, मैं आके चलो पुन्ने को छापा मरे ने है कित्थे। हाँ मैं बोर ते बैठा। हाँ डे किधर, डे किधर, वो खड़ा है जी सामने, आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है आमन, ठीक है ठीक, देखा वो यही है, वो सामने खड़ा है। जितनी देर में नहीं आ रहे ना, तब तक हम आपको लहसुन की अपडेट देते हैं। ये 2-3 दिन पहले हमने इसको पानी लगाया था, ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक खड़ा है, अभी भी गीला है रकबा। और वेदर अपडेट ये है, सूरज निकलने लग गया है वो सामने, और बस गर्मी फील होने लग गई है। अब बंदा जर्सी नहीं पहन सकता, दिन टाइम तो बड़ी गर्मी होने लग गई है यहाँ। उसके बाद ये गंदम को भी पानी नहीं, नहीं ये पानी नहीं लगाई यहाँ से, इसको कहते हैं हम खाला, खाला लीक हो रहा है तो इधर ये पानी जा रहा है। बाकी इसको भी अभी पानी लगाएंगे कुछ दिन बाद। आइए पुन्ना सेठ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज मैं स्पेशल तेरे उते छापा मारन आया, मैं कह देखा था सही पुन्ना है कितना मौजूद है वाकई है ना। मैं को लगा है कि आज छुट्टी थे वो सही लेबर ही चोसे, मैं कह चलो गपशप लाई हूं पुन्ने को, काम मुक्सी तो मैं बाईपास बस ए तो है काम होता बहु है और तो मैं को पते। अच्छा कितना पानी लाई खने, पानी कणा ले खना वान रहा ना। अच्छा ते कोई स्प्रे वगैरह को खास आ देती है? खा देती मैं या जबरदस्त यूरिया। अच्छा दुपा लग गया पहनना जोर लेसी, हाँ जोर लेसी उन बूटा ही मरेंदी खड़ी है। ते उड्डे जेडी दूजे रकबे ते है ना कनक, उत्था ता मैं डे आया मैं खाद दू तरह दीवारा पहले आप छट्टी गई, उत्था मैं ये जबरदस्त यूरिया दीती है, लेकिन यार वो जेड़ा कुछ है ना वो नहीं मरदा खड़ा। स्प्रे कर रहे स्प्रे कीती है वो जेड़ा चौड़े पत्ते वाला होंदे ना वो मरे ते, लेकिन जेड़ा लंबे पत्ते वाला होंदे वो नहीं मरा। हालत कर ना ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਲੈ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸੂਆ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੂੰ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੋ ਜੋ ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਹਮਨੇ ਗੰਨਾ ਤੋ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸਕੀ ਪਤਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਕੀ ਜੋ ਇਸਕੋ ਛਿਲਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਐਸਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕਾ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਆਗ ਲਗਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਕੀ ਮੁੰਡੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੇ ਅਬ ਗੰਨਾ ਬਨੇਗਾ। और ये पूरे साल बाद तैयार थी ना,
मतलब ये हुन फरवरी है तो फरवरी दे विच तैयार थी सी। अच्छा तो ये इस तरह ये होता है गन्ने का, मतलब हर साल नया नहीं लगाना पड़ता, एक साल लगाओ तो 4-5 साल की उसकी मुंडी चल जाती है, बस काटते रहो और उसके बाद उसको इस तरह आग वगैरह लगा के पत्री को और पानी वगैरह पिलाते जाएं। तो ये सारा यहाँ ये मुंडी निकल रही है। और ये इस साइड पे हमने लगाई हुई है सरसों के साथ ही हमारा ये गन्ना, जैसे देखें गन्ना भी हो रहा है और साथ के साथ हमने सरसों भी लगा दी थी। तो ये वाली तो तकरीबन पक गई है, इसको अब देखते हैं 1-2 दिन तक इसको भी कटवाते हैं, जो कटवाने के बाद फिर इसके बाद यहाँ गन्ने को खास शाद देंगे, इधर से गन्ना फिर सही जोर लगा के निकलेगा। बाकी वो दूसरी वाली भी, वो भी सरसों हमारी है, लेकिन वो अभी लेट है, उसको अभी तो वो फूल उठा रही है और साथ साथ अब फल उठाना उसने शुरू किया, तो उसको तकरीबन लग जाएगा महीना, तो कम से कम उसको देर है। बाकी ये वाली तैयार हो गई है, इसको कुछ दिन तक अब कटवाते हैं। अच्छा जी देखें, तो मैं इस वाली सरसों की बात कर रहा था कि इसको अभी लेट है, तकरीबन इसको पूरा महीना लेट है, ये है सीड, इसको कहते हैं गुच्छों वाली सरसों, तो ये हमने यहाँ लगाई हुई है, वो वाली तो पक गई है, इसको अभी बहुत लेट है। बाकी ये देख सकते हैं ये वाली वैरायटी है जो हमने लगाई हुई है। अच्छा जी, तो इधर ये पुण्य सेठ ने हमारे लिए चाय अंडे मंगवा लिए हैं। अच्छा जी, तो चाय शायद तो हमने पी ली है, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियोज़ और अच्छा कंटेंट ला सकूँ। और यहीं मैं अपनी आज की इस वीडियो का एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।